डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं 12th क्लास में मैथमेटिक्स में हम लोग जो पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.6 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इंटीग्रेशन यूजिंग बाई पार्ट रूल। और बाई पार्ट रूल के साथ साथ हम लोगों ने इलेट रूल भी सीखा है, तो चलिए अब हम लोग उसको समझते हैं कि क्या होता है बाई पार्ट रूल्स। हालांकि समझ तो गए हैं, मतलब क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 7.6। और इस 7.6 एक्सरसाइज में मुझे पता है, आई होप कि आपने 6 नंबर तक के क्वेश्चंस को हम लोगों ने दिया था पिछले क्लास में सॉल्यूशन करने के लिए। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। 6 तक के क्या करना है, यू इंटू वी पे इसको तोड़ देना है। फार्मूला बताया है हम पहले ही, यू इंटू वी का क्या होता है, एक्स साइन इनवर्स एक्स। देख लो भाई, इंटीग्रेशन है, एक्स है, साइन इनवर्स एक्स डीएक्स है। अब इसको क्या करना है, हम लोगों को इसको करना है दोस्तों इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो यू इंटू वी का तो दिख रहा है, ये है एक u और एक है v। हालांकि अभी नहीं बोल सकते हैं कि कौन u है और कौन v है। तो यहां आपको ये क्या है, अलजेब्रा। क्यों? क्योंकि ये बहुपद न है, x रहे, x स्क्वायर रहे, x के पावर 4 रहे, x के पावर 3 रहे, कोई भी x वाला रहता है, हम लोग उसको कहते हैं क्या, पॉलिनोमियल, बहुपद कहते हैं। और उस बहुपद को हम लोग अलजेब्रा की कैटेगरी में रखते हैं। तो हम लोगों का ये हो गया अलजेब्रा, और ये दोस्तों हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, जैसे हम लोग पढ़े थे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोट इनवर्स, उसी तरीके से दोस्तों यहां पे इसको हम लोग कैटेगरी में रखते हैं इनवर्स, मतलब आई। ठीक है, इसको आई की कैटेगरी में रखते हैं। अब आप ये देखो कि हम लोग यहां पे यू इंटू वी में हम लोग कैसे अलग अलग करेंगे, तो इलेट रूल के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े हुए हैं। इलेट रूल के अकॉर्डिंग क्या पढ़े हुए हैं जरा देखिए, तो इलेट रूल्स में पढ़े हैं कि सबसे पहले यू होता है और तब होता है हम लोगों का वी। पहले यू होता है फिर होता है वी। तो अब हम लोग सबसे पहले यू किसको कहेंगे, तो इलेट में जो सबसे पहले आएगा, तो आई और ए में सबसे पहले कौन आता है, इलेट में सबसे पहले आई आता है, इसलिए यहां पे बोलेंगे हियर यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड वी इज इक्वल टू एक्स। अब यू इंटू वी का फार्मूला याद है, चलो लिख देते हैं। आप ना इन चीजों को याद रख लो भाई, कि u इंटू वी का फार्मूला होता है, u को बाहर करो, v का इंटीग्रेशन माइनस माइनस किया, ठीक है, फिर बड़ा इंटीग्रेशन, फिर u का डिफ्रेंसिएशन मतलब कि du बाय dx, ठीक है, और इंटू उसके अंदर में v का इंटीग्रेशन और पूरा का dx, ठीक है, ये चीजें होता है, ये फार्मूला होता है। अब आपको क्या करना दोस्त, इसी फार्मूले पे हम लोगों को तोड़ना है। तो u इंटू वी इंटू डीएक्स, तो u को बाहर निकाला, हम लोगों ने u को साइन इनवर्स x माना है, साइन इनवर्स x को बाहर निकाल दिया, फिर ब्रैकेट v का इंटीग्रेशन यानी कि x का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, u का डिफरेंशिएशन यानी कि d साइन इनवर्स x बाय dx और इंटू में v dx यानी कि x dx और पूरा का फिर dx, ठीक है। अब चलो आगे के प्रोसेस को हम लोग अप्लीकेबल करते हैं, अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या क्या बनता है। आप देख पा रहे होंगे यहां पे साइन इनवर्स एक्स है, तो
तो यहां हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस, तो माइनस। अब यहां पे इंटीग्रेशन साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन दोस्तों, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल याद रखिएगा वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू है तो इंटू करेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर बाय टू, और पूरा का डीएक्स, ठीक है। चलो इसका तो इंटीग्रेशन हो गया ना भाई, इसको तो हो गया, इसको लेकर कोई टेंशन नहीं है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस, इसको में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम लोग कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बाय टू है तो वन बाय टू कॉन्स्टेंट है, हम वन बाय टू को बाहर कर लिए, ऊपर क्या है हम लोगों का एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, सॉरी यहां डीएक्स, ठीक है। अभी तक के कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का तो होता है वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, सबसे पहला इसको लेकर तो कोई टेंशन नहीं है भाई, ये तो हो गया हम लोगों का इंटीग्रेशन, मेन है इसको। अब आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि यहां पे क्या था साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन यहां रख दिया, गुना एक्स का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन यहां टूटा, तो क्या बन गया यहां पे एक्स स्क्वायर बाई टू। अब उसके बाद हमें सोचना है कि आखिर इसको इंटीग्रेट को कैसे करेंगे कि हम लोगों का बात जो है बन जाए, ठीक है, हम लोगों को काम बन जाए, ये कैसे करेंगे वो सोचना होगा। तो चलिए हम लोग अब इसके लिए सोचते हैं, ये तो हो गया, अब हम लोगों को मेन काम इस पे सोचना है, ठीक है। तो हमें यहां पे समझना पड़ेगा कि सबसे जो अहम बात है इसको लेकर सोचना होता है कि आखिर इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्त यहां पे तो हम लोगों का हो गया साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, इसको लेकर कोई टेंशन नहीं। अगर इस माइनस को हटाएंगे यहां पे प्लस वन बाई टू करेंगे तो अंदर में जाएगा तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, ठीक है। अब क्या करना है इसकी, इसको करने के लिए ना कुछ अपना दिमाग लगाना पड़ता है। यहां पे माइनस है, इसको अंदर भेज दिया और एगो वन को जोड़ दिया और वन को माइनस कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, वन को अपनी तरफ से जोड़ा वन को घटा दिया, ऐसा इसलिए दोस्त क्योंकि आप मान के चलो कि इसको तो हम लोग यहां पे लिखते चले जाएंगे, ये डब्बा में इसको लिखते चले जाएंगे, सिर्फ इसको हम समझा देते हैं वन बाय टू, और इसको दो पार्ट में कैसे कैसे तोड़ेंगे, एक होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, और माइनस ये माइनस में टूटेगा वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है, और प्लस वन बाय टू, ये पता है ना ये कटेगा तो ऊपर रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा क्योंकि ये बिना रूट में है और ये रूट में है, तो कटेगा तो क्या होगा इंटीग्रेशन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस, और इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है दोस्त वन बाय रूट अंडर अगर वन माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो ये हो जाता है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसके जगह पे डायरेक्ट हम डालेंगे साइन इनवर्स एक्स, क्लियर। अब आप ये बताओ कि इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है तो इसका भी फार्मूला हम आपको पढ़ाए हैं, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद होगा ए स्क्वायर माइनस ए के जगह पे कितना वन और एक्स के जगह पे तो ऑलरेडी एक्स, तो इस फार्मूला का इंटीग्रेशन हम आपको बता चुके हैं, तो इस फार्मूला पे आप ना इसको तोड़ दीजिएगा अलग
और ये तो टूट गया, और फिर 1/2 को बारी बारी इससे साथ भी गुना कराइएगा, इसके साथ भी गुना कराइएगा, और ये जो बेचारा पहले वाला है ये तो रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से फाइनल हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो 7 नंबर क्वेश्चन था ये इनवर्स वाला क्वेश्चन था, और इनवर्स वाले क्वेश्चन को हमेशा पहले रखते हैं, यू बनाते हैं, क्योंकि इलेट में सबसे पहले आई आता है, मतलब इनवर्स आता है। तो करना क्या है आपको, 7 नंबर जैसे क्वेश्चन बनाए हैं आपको, 8 नंबर और 9 नंबर, इसके अलावा 2 नंबर क्वेश्चन यानी कि 8 और 9 दो क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। सेम थिंग्स आपको जो है प्रॉब्लम होगा तो यही होगा, इसी के बारे में सोचना है कि आपको कौन से दिमाग लगाकर किस माइंड से आप कैसे इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो दोस्त दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, और फिर हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे बनाना। तो 9 और 10 को आप खुद से इसको कीजिएगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में 7.6 का 10 नंबर क्वेश्चन से। दोस्तों 8 और 9 को आपको खुद ट्राई करना है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।